नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बिहार में 84 दिनों के लंबे इंतजार के बाद नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। नीतीश मंत्रिमंडल के दूसरे विस्तार में इस बार नए और युवा चेहरों को जगह मिली है, तो वहीं कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो मंत्री की कुर्सी बचाने में कामयाब रहे। बीजेपी से 9 और जेडीयू से 8 मंत्रियों ने शपथ ली है। बीजेपी के शाहनवाज हुसैन ने उर्दू में मंत्री पद की शपथ ली, तो वहीं जेडीयू के संजय झा ने मैथिली में मंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी कोटे से प्रमोद कुमार, सम्राट चौधरी, नीरज कुमार बबलू, सुभाष सिंह और नितिन नवीन ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज नारायण सिंह जुड़ चुके हैं। मनोज जी, 84 दिन का इतना बड़ा वक्त, नीतीश कैबिनेट का विस्तार आज हो गया है, क्या कुछ नए चेहरे देखने को मिले हैं? क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि युवाओं को मौका दिया गया है नीतीश कैबिनेट में, तो आखिर कौन ऐसे प्रमुख चेहरे हैं जो कि इस बार के नीतीश मंत्रिमंडल में उभर कर सामने आ रहे हैं? देखिए, 84 दिन के बाद बिहार मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है, ये खास तौर पर ये मायने रखता है कि इसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार मंत्रिपरिषद में शामिल हुए हैं। इसमें जयंत राज है, सुमित कुमार सिंह है, जमा खान है, सुनील कुमार है। ये पहली बार चुनाव जीतकर आए हैं और इनको मंत्री पद सुशोभित किया गया है। और जनक राम, जो गोपालगंज से 2014 में एमपी हुआ करते थे, अभी हालांकि वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, फिर भी उनको मंत्री पद का शपथ दिलाया गया। तो जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार चुनाव जीत करके आए हैं, उनको मंत्री बनाया गया है, युवा भी है, कुछ कुछ अनुभवी को भी मौका दिया गया है। कुल मिलाकर के अब कहा जाए तो 31 मंत्री वाला ये मंत्री परिषद हो गया बिहार, जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है, इसमें 31 मंत्री हो गए हैं। तो आज जो 17 मंत्रियों शपथ लिया है, इसमें ये कहा हुआ है, मतलब ये है कि 84 दिनों तक मंत्री परिषद के विस्तार का समय लगा, लेकिन जैसे ही मंत्री परिषद के लिए मंत्री पद का जब ओथ लिया गया, उसके बाद में कुछ ही समय के बाद में ये नोटिफिकेशन जारी हुआ कि किस मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाए। सैयद शाहनवाज हुसैन, जो अभी हाल में बीजेपी कोटा से एमएलसी बने हैं, उनको उद्योग विभाग दिया गया है। श्रवण कुमार, जो जेडीयू के कद्दावर नेता रहे हैं, पहले भी मंत्री रह चुके हैं, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री थे, उनको अभी फिलहाल में ग्रामीण विकास विभाग दिया गया है। मदन सहनी को समाज कल्याण विभाग दिया गया है। प्रमोद कुमार, जो पिछली सरकार में कितने बहुत सारा जो मंत्री पद है उसको सुशोभित किया था उन्होंने, प्रमोद कुमार मोतिहारी के बीजेपी के विधायक हैं, उनको गन्ना उद्योग दिया गया है, विधि विभाग दिया गया है। संजय कुमार झा, जो जेडीयू के नेता हैं, उनको जल संसाधन, सूचना और जनसंपर्क विभाग दिया गया है। लेसी सिंह है, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण का पोर्टफोलियो दिया गया है। सम्राट चौधरी है, इनको पंचायती राज दिया गया है। इसके बाद में नीरज कुमार सिंह है, इनको पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन का जो पोर्टफोलियो है वो दिया गया है। सुभाष सिंह है, इनको सहकारिता दिया गया है। नितिन नवीन है, बीजेपी के जो चार बार चुनाव जीत करके आए हैं, उनको पथ निर्माण दिया गया है। सुमित कुमार सिंह है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का पोर्टफोलियो दिया गया है। सुनील कुमार को मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन का पोर्टफोलियो दिया गया है। नरांग प्रसाद है, उनको पर्यटन का दिया गया। जयंत राज को ग्रामीण कार्य का दिया गया। आलोक रंजन को कला संस्कृति युवा विभाग का पोर्टफोलियो दिया गया। जमा खान को अल्पसंख्यक कल्याण का दिया गया। जनक राम को खान भूतत्व दिया गया। तो ऋतिक, इसमें सबसे खास बात यह है कि सवाल यहाँ पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो साफ तौर पर ये आरोप लगा रही है कि एनडीए को एनडीए दावा करती रही है कि आधी आबादी के वोट बैंक से ये सरकार बनी है और आधी आबादी को इसमें सहभागिता नहीं मिली। इसके पहले शीला मंडल है और लेसी सिंह मात्र जो है, दो अभी जो महिलाएं हैं इनको मंत्री परिषद में शामिल किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष का जो दावा है उसमें कहीं ना कहीं दम दिख रहा है। लेकिन जिस तरह से नीतीश कैबिनेट का जो विस्तार हुआ है, इस पर विपक्षियों का एक तरह से ये भी कहना है कि अभी इसके पिछली बार में नीतीश कुमार हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहा करते थे, लेकिन अब की बार में छोटे भाई की भूमिका में आ गए हैं। जाहिर सी बात है, मात्र 43 सीट पर इनकी जीत हुई थी, जेडीयू पार्टी की जीत हुई थी, 74 सीट पर बीजेपी की हुई है। जाहिर सी बात है कि अब की बार नीतीश कुमार छोटे भाई की भूमिका में है। मंत्री परिषद में अगर देखा जाए तो मंत्री परिषद में भी जो कम जो
जो सीट है वो जेडीयू के खाते में आई है, इससे ज्यादा बीजेपी के खाते में आई है। तो जाहिर सी बात है कि विपक्षी तो हमेशा लगातार आरोप लगाते रहते हैं, अभी भी आरोप लगा रहे हैं। सरकार चाहे कोई भी अच्छा काम करे बुरा काम करे, विपक्षी का काम है हंगामा करना। तो जाहिर सी बात है कि एक सवाल मेरा आपसे ये है मनोज जी, कि अभी हाल फिलहाल में हम सब जानते हैं कि AIMIM के 5 विधायक मिले थे नीतीश कुमार से, इससे पहले भी जमा खान भी अब मंत्री बन गए, वो भी बसपा से थे, अब वो भी नीतीश कुमार के साथ उन्होंने उनकी पार्टी में विलय किया और जेडीयू के बन गए। अब जो ये 5 विधायक वाली बात उठ के आई, ये भी विपक्ष इस पे भी निशाना साध रहा है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि इस बार के जो नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ है ये कहीं ना कहीं सही नहीं है, और इस पर जो अब 5 विधायक वाली बात जो उठकर सामने आ रही है, उसका कुछ अपडेट है क्या आपके पास? अब देखिए ऋतिक, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार को इस विधानसभा चुनाव में जो 20 सीट मिला, जाहिर सी बात है कि छोटे भाई की भूमिका में आ गए हैं, जिसका एक्सपेक्टेशन नीतीश कुमार को खुद नहीं था कि बीजेपी से कम सीट उनको आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता के गलियारे में इस बात की चर्चा हो रही थी कि जेडीयू अपने अपनी पार्टी को पावरफुल बनाने में या फिर सीट को बढ़ाने में, जो उनका जो सीट है 43 सीट मिला हुआ है उसको बढ़ाने में प्रयास कर रही है जेडीयू, तो शायद इसी का नतीजा था कि BSV का जो एक विधायक थे जमा खान, उनको जेडीयू में शामिल किया गया, जो निर्दलीय विधायक है उनको भी शामिल जो है इसमें करा दिया गया। और पिछले कुछ दिन पहले ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक नीतीश से मिलने गए थे, हालांकि उनका कहना था कि अपने जो 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 उनके जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको लेकर के, प्रॉब्लम्स को लेकर के नीतीश से मिलने गए थे, लेकिन सत्ता के गलियारे में इस बात की चर्चा होना शुरू हो गई, विपक्षियों की भी कान खड़े हो गए कि जो ओवैसी के 5 विधायक है वो नीतीश से मिलने क्यों गए। लेकिन ये बात चर्चा में हमेशा ये सुर्खियां में ये बात है कि 5 वो जो विधायक है हो सकता है कभी भी नीतीश की पार्टी में मिल सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का भी बहुत सॉफ्ट कॉर्नर नीतीश के प्रति। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे मनोज जी ये है कि विपक्ष हमलावर हमेशा से रही है, लेकिन विपक्ष देखिए नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो गया है, इतने दिन के बाद अब विस्तार हुआ है, जाहिर सी बात है विपक्ष कुछ ना कुछ कहेगा, क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कोई बयान इस पर आया है क्या अब तक? नहीं, अभी तक तो प्रतिपक्ष नेता का बयान अभी नहीं आया है, लेकिन शाम तक उनका बयान आ सकता है कि क्या कुछ इसमें खामी है या फिर क्या कुछ वो क्या कुछ कहेंगे, ये तो खैर जब उनका बयान आएगा तो सामने आएगा। लेकिन जिस तरह से विपक्षी कुछ जो नेता लोग हैं, कांग्रेस के हों या फिर RJD के हैं, वो लोग ये साफ तौर पे कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि आधी आबादी की वोट बैंक पर NDA जो 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 जीतने का दावा कर रही है, आधी आबादी को मंत्री परिषद में शामिल नहीं किया गया है उस बनिस्पत, तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार विपक्ष के निशाने पर हैं। और सबसे बड़ी बात ऋतिक ये है कि जिस तरह से ये कहा जाता है कि कोसी सीमांचल और मिथिलांचल, कोसी सीमांचल मिथिलांचल जिस पर मेहरबान होता है ताजपोशी उसी की होती है, तो इस मंत्री परिषद में जो जगह मिली है वो सबसे अधिक कोसी सीमांचल और मिथिलांचल क्षेत्र से ही मिली है, तो जाहिर सी बात है कि विपक्षी वहां पर जो कोसी क्षेत्र है, सीमांचल क्षेत्र है, मिथिलांचल क्षेत्र है, विपक्षियों को कम सीट वहां पर मिला, NDA को बढ़त मिली, तो जाहिर सी बात है कि सीमांचल मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र में जिस तरह से मंत्री परिषद में लोगों को शामिल किया गया है, तो कहीं ना कहीं NDA ये अपना वोट बैंक को साधने का प्रयास किया है कि मेरा वोट बैंक बना रहे, और विपक्षी के निगाह पर ये भी है कि इन क्षेत्रों में जो उनका सीट कम मिला है वहां का वोट बैंक कैसे उनके पाले में आए, इसके लिए चिंता का सबब तो जरूर बना रहेगा। फिलहाल अभी वेट करना होगा कि तेजस्वी यादव का बयान क्या रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका। तो नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, 84 दिन के बाद नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ है।